बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको घेरे पे लैस लगा के दिखाऊंगी, घूम सिलाई वाली लैस लगा के दिखाऊंगी, चाक पे और घेरे पे। मैंने 3 इंच चौड़ाई में कपड़ा ज्यादा लिया था और साइड पे मैंने 1.5 इंच पे इस्त्री से निशान बना लिए हैं और नीचे भी मैंने 1.5 इंच पे ये निशान बना लिया है। इस पे रख के लैस अटैच करूंगी। चाक से शुरू करूंगी लैस लगानी। लैस की सीधी साइड जो है नीचे को रखूंगी इस तरह से, उल्टी साइड में ऊपर रखूंगी। ये जो मैंने लैंड ड्रॉ की है इसके ऊपर ऊपर रख के लैस अटैच करूंगी। 1 इंच ऊपर रखते हुए इस तरह से लैस अटैच करने शुरू करूंगी। ऐसे एक साइड पे मैंने लैस अटैच कर दी है, अब मैं दूसरी साइड पे आपको लैस अटैच करके दिखाऊंगी। इस्त्री से बने हुए निशान के ऊपर ऊपर आके लैस लगाऊंगी। अब इसे लेस के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इसे इस तरह से मोड़ते हुए इस्त्री से प्रेस कर लूंगी। मैंने इसे इस्त्री से सेट कर लिया। इस नोक वाली साइड को इस तरह से फोल्ड करके ऐसे बिल्कुल इस्त्री से इसे सेट कर लिया। अब मैं इसे हैंड स्टिच कर लूंगी। अब चाक वाली लैस को इस तरह से सेट करते हुए ऐसे इस पे टांके लगा लूंगी।
यहाँ पे मशीन से सिलाई पक्की कर लूंगी मैं। इस पे मैं गूम तरपाई करूंगी इस तरह से। इसके बीच में से ही सुई निकालूंगी ऐसे। इसी तरह से मैं दोनों चाक्स पे और दामन पे तरपाई कर लूंगी। एंड स्टिचिंग मैंने कर ली है। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। ये चाक वाली साइड है, बैक साइड पे भी इसी तरह से मैंने लेस अटैच की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।